Assalamualaikum guys, it's me Maimuna. Welcome to my YouTube channel Stardust Angels. So आज आप देख सकते हैं मैं निहारी बनाने जा रही हूँ, तो बिना टाइम जाए कि हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं. सो या लेट्स स्टार्ट. To be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. Have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. So nihari banane ke liye sabse pehle maine yahan par beef ka gosht le liya hai. Aapki marzi hai, aap beef bhi le sakte hain, mutton bhi le sakte hain. Then usse maine ek adad pyaaz add kar diya. एक अदर प्याज ऐड करने के बाद मैंने जो आप स्पून देख रहे हैं ना, इसी यही मैंने दो स्पून जो है मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है. सो यह कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी. कोशिश आपने ये करनी है कि आपने हड्डी वाला गोश्त लेना है, ठीक है. हड्डी वाले गोश्त से निहारी बहुत अच्छी बनती है, तो मैंने यहाँ पर हड्डी वाला गोश्त लिया है. आप लोग भी हड्डी वाला गोश्त ले सकते हैं. उसके बाद मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है. इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे. सो मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा. उसके बाद मैंने इसमें यहाँ पर लाल मिर्च ऐड कर दी है 1 टेबल स्पून, ठीक है. एक होता है टी स्पून होता है, एक होता है टेबल स्पून. तो हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून लाल मिर्च ऐड किए हैं. उसके बाद मैं यहाँ पर 2 टी स्पून इसमें हल्दी ऐड कर देंगे. 2 टी स्पून हमने हल्दी ऐड कर दी. जब तक मैं ये सब चीज़ें डाल रही हूँ, आप अच्छे बच्चों की तरह चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें. इससे ये होगा कि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुँच जाएगा और आप मेरी हर वीडियोस इजीली वॉच कर सकेंगे, ठीक है. अब मैंने इसमें 2 टी स्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है. अब इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे. सो मिक्स करने के बाद ये टेक्स्चर इसका आ जाएगा. 5 मिनट्स तक मिक्स करने के बाद मैं इसमें 1 बॉल पानी ऐड कर दूंगी, ठीक है, ताकि गोश्त हमारा पक जाए अच्छे तरीके से. सो मैंने पानी यहाँ पर ऐड कर दिया है. अब मैं इसको 15 मिनट के लिए प्रेशर कुकर पर चढ़ा दूंगी, ठीक है. सो ये 15 मिनट यहाँ पर गुजर चुके हैं, गोश्त भी हमारा अच्छे तरीके से पक चुका है. सो अब मुझे आप लोग बताइएगा कि मेरी नेक्स्ट रेसिपी कौन सी होनी चाहिए. कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मुझे नेक्स्ट रेसिपी आपके लिए मैं कौन सी लेकर आऊँ. यहाँ बारिश भी होना स्टार्ट हो गई है कराची में. जैसे कि जानते हैं कराची का मौसम बहुत ही हसीन होता जा रहा है दिन ब दिन. आई लव दिस वेदर. ये बारिश. उसके बाद मैंने यहाँ पर शान का निहारी का मसाला ऐड किया है, ठीक है, 1 पैकेट. इसमें हम शान का निहारी का मसाला ऐड कर देंगे. अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी. सो इस मौसम के दौरान जो है निहारी खाने का एक अलग ही मज़ा है. इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फुल वीडियो वॉच कीजिएगा, क्योंकि ये रेसिपी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये रेसिपी पूरी बाज़ार की तरह होती है. जैसे कि बाज़ार में जो आप निहारी खाते होंगे ना बाज़ार की, उससे ज़्यादा अच्छी बनती है. हमने जो पहले पानी ऐड किया था वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गया था, तो अब मैं इसमें दोबारा 2 गिलास पानी ऐड कर दूँगी. उसके बाद मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, ठीक है. नेक्स्ट स्टेप में मैं आटा लूँगी थोड़ा सा. 2 to 3 टीस्पून मैंने आटा लिया, उसका पेस्ट बनाया, ठीक है. ये आप देख सकते हैं ये आटे का पेस्ट मैंने बना लिया है. इसमें मैं मज़ीद पानी ऐड कर दूँगी. इसको फुल मतलब पतला कर देंगे थोड़ा सा ना, वही आटे का पेस्ट मैं इसमें ऐड कर दूँगी. अब आपने इसको इस तरीके से मिक्स करते रहना है कि कहीं गुठलियाँ ना बन जाए आटे की. तो आपने इसको कंटिन्यूसली मिक्स करना है. टोटल 10 मिनट्स तक आप इसको पकाएंगे, ठीक है. 10 मिनट्स पकाने के बाद हमारी निहारी रेडी हो जाएगी जैसे ही ऑयल ऊपर आ जाएगा. So guys, निहारी रेडी हो चुकी है, इसका ऑयल ऊपर भी आ गया है. उसके बाद मैं इसको गार्निशिंग के लिए इसमें लेमन ऐड कर दूंगी, कोरिएंडर लीव्स ऐड कर दूंगी और जिंजर ऐड कर दूंगी, ठीक है. सो या आप भी ये रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. अल्लाह hafiz. All I want and I pray, all I need are some better days.